लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रक्षा करो दैत्य गुरु, रक्षा करो। उस एक दंत के भयानक दांत से मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। मैं आपका शिष्य और सेवक हूँ, मेरी रक्षा करो दैत्य गुरु। उठो पुत्र, पुत्र। वरदानी तारक पुत्रों, ये सब हमारे भयानक शत्रु हैं। इन्हें जीवित रहने का अवसर ना दो, इन्हें समाप्त कर दो। जाओ। आदिति और कश्यप को भी अपने प्रहारों से समाप्त कर दो। सावधान, एक दिन परम देव श्री महागणेश की इच्छा से विनायक श्री गणेश ने इनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली थी। विनायक के प्रलोभन से उन्मत्त होकर तारक पुत्र अब रजतपुर से बाहर निकलकर पदभ्रष्ट और अत्याचारी हो गए हैं। काल इनके सिर पर मंडरा रहा है। इनका अंत इनके त्रिपुरों में ही होगा। इन्हें पुनः त्रिपुरों में बंदी बनाना होगा। एक दंत श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। माता, क्या आप जानती हैं एक दंत और गजानन कहाँ हैं? वे अब तक लौटे क्यों नहीं? एक दंत और गजानन के विषय में पूछकर अपनी चतुराई न दिखाओ मंगल मूर्ति। वे दोनों कहाँ हैं? ये तुम मुझसे अधिक जानते हो। माता से अधिक पुत्र जानता है? ना माता, ये सत्य नहीं है। सत्य कैसे नहीं? तुम सबके विषय में जानने के लिए मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु तुम इच्छा मात्र से एक दूसरे से संवाद कर लेते हो। एक दूसरे के मन की बातों का ज्ञान भी तुम्हें रहता है। फिर मैं अधिक जानती हूँ अथवा तुम? जानती तो आप ही अधिक है माता, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ ना। मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आपकी कृपा का परिणाम है। ओम नमः शिवाय। हे आशुतोष भगवान शिव शंकर, हम आपसे एक विशेष प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे विश्वनाथ, अपने विश्व की रक्षा के लिए अपनी ध्यान समाधि को विराम दें। हर हर महादेव। आंखें खोले परमेश्वर, देवादिदेव अपने संसार की रक्षा करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, पालनहार श्रीहरि विष्णु और देव ऋषि नारद, आपका कैलाश पर स्वागत है। महादेव, तारकसों की भांति ही तीनों तारक पुत्रों को उनकी तपस्या के कारण हम वरदान देने के लिए विवश थे। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके उन दुष्टों ने वरदान का दुरुपयोग किया है। पहले वे अपने जीवन की रक्षा के लिए शिव भक्ति का ढोंग करते रहे, परंतु
मर चुका है। वे शिव भक्ति से विमुख होकर भयानक अत्याचारी बन चुके हैं। पिताश्री, मैंने उनको उनके ही त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। ये वास्तव में दुर्लभ अवसर है जब परम देव श्री महागणेश के तीनों अवतार एक साथ दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह सब आप और माता पार्वती की कृपा का फल है महादेव। देवाधिदेव महादेव एवं माता पार्वती, आप दोनों की कृपा से हम सभी को श्री महागणेश के तीनों अवतारों के दर्शन एक साथ हो गए। ऐसा दुर्लभ अवसर हमें केवल आप ही की कृपा से प्राप्त हुआ है। आपकी जय हो। महादेव, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तीनों तारक पुत्रों की मुक्ति का समय आ गया है। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहे महादेव, तो वे अपने वरदानी आसुरी शक्ति का दुरुपयोग करके संसार में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे। एक दिन श्री गणेश ने कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनके पुरों में बंदी बनाकर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ही कार्य किया है। तारक पुत्र, तारकाक्ष भी सुरा और सुंदरी से मदमस्त होकर अपने अत्याचार से संसार को त्रस्त करें, इससे पहले ही उन्हें मुक्ति प्रदान करें महादेव। तारक पुत्रों ने भक्ति का मार्ग पूरा कर दुष्कर्म और अत्याचार का मार्ग अपना लिया है, इसलिए अब हमें सक्रिय होना ही होगा। उचित समय आने पर हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आपकी जिज्ञासा का अभी भी अंत नहीं हुआ देव ऋषि। महादेवी पार्वती, इस समय जो प्रश्न मेरे मन में उभर रहा है उसका संबंध मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश से ही है। मन में उठते प्रश्न को मन में दबाना उचित नहीं है देव ऋषि। पूछे क्या पूछना है, परंतु पूछने से पहले माता पार्वती से आज्ञा अवश्य प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आजकल माता छोटी छोटी बातों पर रोष करने लगी है। माता तो चली गई देवर्षि, अब आप निसंकोच पूछिए क्या पूछना है। नारायण नारायण, हे मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तारक पुत्रों के अंत में आपका कोई योगदान नहीं होगा। मेरा योगदान तो मेरे पिताश्री भगवान शिव की इच्छा पर निर्भर है देवर्षि। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। विद्युन्माली, कहाँ हो तुम दोनों? तुमने इन दुष्ट दैत्य शत्रुओं को दंडित क्यों नहीं किया? शीघ्र ही मेरे समीप प्रकट हो। नारायण नारायण, दैत्य माता दीदी, अब आप तारक पुत्रों को चाहे जितना पुकार ले, किंतु वे अभागे कभी नहीं लौटेंगे। मेरे साथ परिहास करने की भूल ना कर नारद। परिहास? अरे मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ दैत्य माता दीदी, मैं सत्य कह रहा हूँ। तारक पुत्र इस संसार में अब कुछ ही समय के अतिथि हैं, ये समझ लीजिएगा। आपने उन्हें उकसाया, अत्याचारों के लिए प्रेरित किया, उन्हें दुष्कर्मी बनाया। तारक पुत्रों ने जो कुछ भी किया वो उचित था, उस सुंदर बालक ने भी उनके कार्य का समर्थन किया था। नारायण नारायण, दैत्य माता दीदी, वो सुंदर बालक उनकी शिव भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आया था। स्वार्थ के कारण तारक पुत्र अपनी परीक्षा में असफल सिद्ध हुए। अब आप ये समझ लीजिएगा कि तारक पुत्रों की मृत्यु भगवान शिव के हाथों सुनिश्चित है। नारायण नारायण। मैं जानती हूँ देवर्षि, आपका कथन इस संसार में सत्य का प्रमाण है। अब इतना बता दीजिए कि वो तारक पुत्र कहाँ है। नारायण नारायण, दैत्य माता दीदी, एक दिन श्री गणेश ने तारक पुत्रों को उन्हीं के त्रिपुरों में बंदी बना दिया है। वहां से निकलने के लिए उनकी आसुरी और वरदानी शक्तियां असफल सिद्ध हो चुकी हैं।
देवर्षि, क्या मैं उनके समीप नहीं जा सकती? नारायण नारायण, दैत्य माता दीति, उनके समीप पहुंचना कदाचित असंभव है, किंतु हाँ, यदि आप इस असंभव को संभव बनाना चाहें, तो मैं आपको एक परामर्श दे सकता हूँ। देवर्षि, उन तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के अतिरिक्त इस अभागन दैत्य माता दीति को और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि उनकी जीवन रक्षा के लिए आप मुझे जो भी उपाय बताएंगे, मैं उसका पालन करूंगी। नारायण नारायण, वचन देने से पहले तनिक विचार तो कर लिया होता दैत्य माता। किसी भी विचार से अधिक मूल्यवान है तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा। मुझे शीघ्र बताएं देवर्षि कि मुझे क्या करना होगा। दैत्य माता दीदी, परम देव श्री महागणेश की कृपा हर असंभव को संभव बना लेती है। आप अपनी बहन देव माता अदिति के साथ मिलकर, पति ऋषि कश्यप के साथ मिलकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करें, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। देवर्षि, अपने वचन का पालन करें दैत्य माता। नारायण नारायण, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप चाहेंगी तो अपने पुत्र वधु वारंगी और पौत्र वधु शांबुकी के पास स्वर्ग पहुंच जाएंगी। आप देर ना करें दैत्य माता, शीघ्र ही परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करें। नारायण नारायण। मुझे निराश न करें दैत्य गुरु, मैं जानता हूं कि देवकोप से गुरु रक्षा कर लेता है, परंतु गुरुकोप से कोई रक्षा नहीं कर पाता। मुझ जैसे अभागे शिष्यों को ना ठुकराएं दैत्य गुरु। आपने मुझे शिष्य बनाकर दीक्षित किया था, अपनी दीक्षा की मर्यादा को निभाएं दैत्य गुरु। कदापि नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि शिव भक्ति से प्राप्त शक्ति का लाभ मैं अत्याचारी दैत्य और असुरों को प्रदान ना करूं, उनके दुष्कर्मों में भागीदार ना बनूं। दैत्य गुरु, आप मेरे जन्म की कथा जानते हैं। संसार ने मुझे मत्सर से मत्सरासुर बना दिया, परंतु सत्य तो यह है कि देव राजेंद्र के शरीर से मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं देव जाति का हूं। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। यदि तुम देव जाति के हो मत्सर, तो मैं भी दैत्यों का गुरु हूं। एक देवता मेरा शिष्य कदापि नहीं बन सकता। इतने कठोर न बनो दैत्य गुरु, अब मुझे अभागे का आप ही सहारा है। मेरा त्याग न करो दैत्य गुरु, अन्यथा आपके आश्रम के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। दैत्य गुरु, एक बार आपके आदेश पर मैं शिव भक्ति कर चुका हूँ, यदि आप फिर आज्ञा दे तो मैं स्वयं शिव भक्ति में लीन हो जाऊंगा। अब जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु अपने चरणों से मुझे दूर न करो दैत्य गुरु। मत्सर असुर, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव आज्ञा के कारण तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार कर पा रहा है। मेरी व्यवस्था को समझो मत्सर असुर, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। जब गुरु सहायता नहीं करता तब केवल सब अंधकार ही अंधकार हो जाता है। मैं अपने भविष्य को अंधकार में डुबोने के लिए आपके प्रचंड यज्ञ कुंड में कूद जाता हूं। ठहरो ठहरो मत्सर असुर, तुम्हारे दृढ़ निश्चय ने यह सिद्ध कर दिया है, तुम्हारा भविष्य अंधकार से नहीं
सफलता से उज्जवल होगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। भगवान शिव मेरे साक्षी हैं। अब आओ सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपकी जय हो गुरुवर। अब इस मत्स्रासुर को तीनों लोकों में किसी से भय नहीं, क्योंकि उसका रक्षक गुरु है। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। कल्याण हो पुत्र। गौरी पुत्र, तुमसे प्रकट विनायक ने जानबूझकर शिव निंदा करके तारक पुत्रों को पद भ्रष्ट किया और परम शिव भक्त शुक्राचार्य को भ्रमित किया। माता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शिव निंदा की भूमिका तुमने बनाई, शिव निंदा के सूत्रधार तुम हो। आशुतोष भगवान शिव की निंदा करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती, भले ही तुम मेरे पुत्र क्यों ना हो। क्रोधित ना हो माता, मेरी बातों सुनो। तुम्हारी बातों की चतुराई से मैं भी भ्रमित हो जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें बोलने का अवसर नहीं दे रही। बोलने का अवसर नहीं देंगी तो हमें क्षमा कैसे करेंगी? तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं। तुम्हारे ही कारण पद भ्रष्ट होकर तारक पुत्र संसार पर अत्याचार करने लगे, शिव भक्ति में लगे मन को भ्रमित करना क्या उचित है? गजानन और एक दंत ने भी इस कार्य में तुम्हें सहयोग दिया। क्या शिव निंदा और एक भक्त को भ्रमित करना अग्र पूज्य श्री गणेश के लिए उचित है? ना तो हमने किसी को पद भ्रष्ट किया है और ना ही किसी को भ्रमित। मैं सत्य कह रहा हूँ माता। मैं तुम्हारे सत्य की चतुराई भली भांति जानती हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे पुत्र किसी को पद भ्रष्ट और अत्याचारी बनाने का अशुभ कार्य कर रहे हैं। मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मेरे पुत्र शिव निंदक होंगे। शिव तो कल्याण है, शिव तो मंगल है, शिव तो शुभ है, शिव तो सुंदर है। उस मंगलमय कल्याणकारी शुभ और सुंदर शिव की निंदा करने का दुस्साहस तुम सबने कैसे किया?